कसाई किसी का खूंटा पे से खोल के नहीं ले जाता है काटने के लिए, जो खूंटा पे बांधे हैं ना, जो साल भर दूध निकाले हैं वही पहुंचा देते हैं कसाई के हाथ, कहते हैं हम जब घूम जाएंगे तब काटना, सामने नहीं कटती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गुनहगार नहीं। तो गाय भी सोचती होगी ना, तो कहती होगी हमारे नाम पे खाली तुम लोग ससुरा बात बतियाता है, ठोस कदम उठाओ। भाषण देने के लिए बुलाइए लोगों को, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। भारत में सबसे ज्यादा बाघ रहते हैं, पूरी दुनिया में 70% बाघ भारत में भागा गया, भाग के नहीं आया, सब यहीं जन्म लिया है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय पशु है ना, तो उसका हम अहमियत भी है, बचा के भी है। राष्ट्रीय पशु के लिए कई नियम कानून आते हैं, आप राष्ट्रीय पशु को पाल नहीं सकते हैं, बांध नहीं सकते हैं, समझा गया, उसके लिए स्पेशल। जैसे चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर एक अलग इशू हो जाता है, क्योंकि उसके रूल्स अलग हो जाते हैं। गाय कटने के लिए गाय बेचने वाला भी जिम्मेदार है, कसाई तक डायरेक्ट, कसाई किसी का खूंटा पे से खोल के नहीं ले जाता है काटने के लिए, जो खूंटा पे बांधे हैं ना, जो साल भर दूध निकाले हैं वही पहुंचा देते हैं कसाई के हाथ, कहते हैं हम जब घूम जाएंगे तब काटना, सामने नहीं कटती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गुनहगार नहीं। तो बड़ी विकट समस्या है, अब बेचारी गाय बीच में पिस जाती है। गाय भी सोचती होगी ना, तो कहती होगी हमारे नाम पे खाली तुम लोग ससुरा बात बतियाता है, ठोस कदम उठाओ। जैसे एक किसान भी जो गाय को कटने के लिए नहीं बेचना चाहता है, मजबूरी ये है उसकी कि वो अपने बूढ़े माँ बाप के लिए दवाई नहीं खरीद पाता है, तो बूढ़ी गाय को कहाँ से रख पाएगा, बढ़िया गौशाला रहनी चाहिए, लेके वहां जाके छोड़ दो, नहीं समझ में, उसमें औरों स्थिति खराब है। अच्छा तो 10-15 लोग मिल के अपना प्राइवेट खोल दे, वो ही नहीं होगा, लेकिन भाषण देने के लिए बुलाइए लोगों को, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। 10-15 को पकड़ के अपना प्राइवेट खोल लो, ज्यादा नहीं उसमें 50 को गाय रखना, तो गांव के किसी दूसरे गांव में 50-10 आदमी मिल के खोल ले, तुम 10 को रखना, नहीं समझे। बड़ा काम गवर्नमेंट कर सकती है, छोटा काम हम लोग कर सकते हैं, छोटे छोटे करके निपटा देंगे, बाकी गवर्नमेंट को दिखाएंगे सीखो हमसे। तो होता है यहाँ पर बड़ी विकट परिस्थिति है गायों के लिए यहाँ पर। और स्मगलिंग अलग होती है, चूंकि नेपाल पास में एरिया बांग्लादेश है, उधर हिला देता है, स्मगलिंग भी ये सब चीजों में होती है। अच्छा दूसरा, राष्ट्रीय चीजों को जब हम घोषित करते हैं तो उससे आपकी राष्ट्र की छवि भी झलकनी चाहिए। जैसा राष्ट्रीय पक्षी मोर है तो सुंदर भी दिखता है, रेयर भी दिखता है, हम लोग का राष्ट्रीय पशु बाघ आ गया तो लगेगा अरे बाप रे बाप, बाघ रे भैया, अब किसी का नहीं सुनने वाला।